वेलकम बैक टू परफेक्ट इलेवंस में आपका स्वागत है। और आज की टीम की प्रोटेक्शन की बात कर लेता हूँ। प्रोटेक्शन की बात करें आज की बात, तो आज की मैच की प्रोटेक्शन करने वाले हैं हम इंजो जो बीच, जो कि नेपाल डोमेस्टिक T20 लीग की बेचेज होने वाली है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन चीज़ों की टॉपिक्स की बात करने से पहले मैं इसकी टाइमिंग्स की बात कर लेता हूँ। और 11:45 KM पे चार्जेस ये होंगे, स्टार्टिंग होंगे। 45 मिनट्स रह गया है, और जो कि BSK प्रोसेस के जो कि ब्रंत नागर सुपर किंग्स और द काठमांडू के नाइट्स की बेचेज होने वाली है। तो चलो टीम से प्रोटेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ मेरे नोट्स बनाए जाओ कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि नेपाल की डोमेस्टिक T20 मैचेस होने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो कि BSK वर्सेस KK की बस पूरे आज ही होने वाले हैं। चलिए हम फिर पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिच रिपोर्ट होने यहाँ पे होने वाली है, बैलेंस पिच होने वाली है। एवरेज विकेट की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे, एवरेज विकेट 31-35 होने वाली है। और ओवरऑल विकेट्स की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 8 विकेट्स मैक्सिमम से मैनी होने वाले हैं। बेस्ट सपोर्टेड रहेगा पेसर्स। स्ट्रॉन्ग टीम की बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम यहाँ पे KK है। और यहाँ पे वीक टीम की बात कर लेते हैं, वीक टीम हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वीक टीम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे BSK होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है फिलहाल, सॉरी, ठीक है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन 7/4 का कॉम्बिनेशन देखने को यहाँ मिलेगा इस मैचेस में, मुझे लग रहा है। और आपको भी शायद लगे क्योंकि मैंने बेस्ट कॉम्बिनेशन की मैचेस करूँ, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी बैटिंग और बॉलिंग भी। और बेस्ट 11 की बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विकेट कीपर रखूँगा अशोक को रखूँगा, क्योंकि काफ़ी परफॉर्मेंस करते हैं, नंबर वन ही होगा, वन डाउन पोजीशन पे बैटिंग नहीं करते, ये फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करते हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा स्कोर भी है। बैटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बैटर मैंने 3 चूज़ किए हैं। रोहित पेंडोल है, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, जी शर्मा भी करते हैं बैटिंग बॉलिंग ब्लिंक भी करते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट रहेंगे हमारे लिए अगर बैटिंग से नहीं आता है। बाय द वे बॉलिंग पिच होगा मुझे लग रहा है यहाँ पे, बट बैलेंस दिखा रहा है, कोई बात नहीं। रोहित पेंडोल भी बॉलिंग भी करते हैं, तो ओवर जी शर्मा भी करते हैं, ब्लिंक भी करते हैं, तो राइट आपके लिए भी सही रहेगा। बैटिंग से ना तो बॉलिंग से पॉइंट देते ही गई। ऑलराउंडर की बात कर ली, यहाँ पे ऑलराउंडर हुसैन तलत है, शर्म एस गौतम है और आर नन, ठीक है। तो ए बी बाई इन्होंने लास्ट मैचेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए, इन्होंने 2-3 विकेट लिए हैं। और यहाँ पे ऑल एवरेज की विकेट्स की बात करो, तो यहाँ पे 4-5 विकेट इन्होंने सारे तीनों प्लेयर्स ने लिए हैं, तो यहाँ पे ऑलराउंडर बेस्ट रहेंगे आपके लिए। 3 ऑलराउंडर रखो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट बॉलर की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे बॉलिंग हमें रखने 4, जो कि ए बोरा को रखना है, एन यादव को रखना है, और के जोसेफ को रखना है, और के कमल सिंह को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 11 परफेक्ट 11 बताया है यहाँ पे, जाके बाकी जो भी प्लेयर्स और भी हैं उनको ड्रॉप कर रखा है, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने है नहीं। बाकी हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में देने वाला हूँ आपको अपने ड्रीम 11 में, तो वहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं यहाँ पे टीम बना चुका हूँ पहले भी, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको मैंने चूज़ किस को कैप्टन वाइस कैप्टन किया है। तो 7/4 का कॉम्बिनेशन जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे, तो 7/4 का कॉम्बिनेशन है, सब प्लेयर सेम ही है, जो कि कोई चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे। कैप्टन मैंने बनाया है, देख लो आप, आर अनंत को बनाया है और एन यादव को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, तो आप यहाँ पे चेक सकते हो। और इसे आप चेंज भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सके हो, यहाँ पे कुछ एक प्लेयर को हम चेंज कर सकते हैं, जहाँ के जोसेफ को हम हटा के कहीं और रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ड्रीम प्रोटेक्शन आज का, बाकी आप देखो आप कैसे बनाना, ठीक है। मैं तो बना दिया यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।